जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाशु परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वाशुत का पढ़ रहे थे, जिसमें आश्रव तत्व अधिकार के बारे में समझ रहे थे। किन किन कारणों से किन किन कर्मों का आश्रव होता है इसके बारे में जान रहे थे। हमने कल देखा था कि चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, उसमें भी जो नोक कषाय जो है उसका आश्रव कैसे होता है। तो हास्य का देखा, रति अरति का देखा। आज अपन समझते हैं शोक के बारे में कि शोक का आश्रव कैसे होता है, जिससे हमारे लिए आने वाले समय में शोक उत्पन्न होते हैं या फिर हमें चारित्र धारण ना करने की प्रेरणा मिलती है, तो उसको अपन समझते हैं। लेकिन उस सूत्र का जो 14 नंबर जो सूत्र है उसे बोर्ड के माध्यम से एक बार देखते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। 6ष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 14 है, कसायो दया तीव्र परिणाम से चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम जो जीव के हैं उससे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। ये सूत्र अपन अभी कुछ दिनों से रोज पढ़ रहे हैं और अपन ने इसमें देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से जीव चारित्र मोहिनी का आश्रय करता है, जिससे उसको स्वयं ही चारित्र धारण करने की योग्यता प्रकट नहीं हो पाती है, ऐसे कर्म सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कल अपन ने शोक रति अरति के बारे में जाना था, आज अपन शोक के बारे में जानते हैं कि शोक का आश्रय जीव कैसे करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है शोक कर्म के आश्रय का कारण क्या क्या है। देखिए जरा, स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर के चिंता करना पहला, दूसरा दूसरों को दुख उत्पन्न करना, तीसरा दूसरों को शोक में देख करके आनंद बनाना। तीन बातें हो गई, कृत कारित और अनुमोदना के रूप में, कि स्वयं ही दुखी होना अथवा ऐसा काम करना कि दूसरों को दुख उत्पन्न करना, अथवा जो व्यक्ति दूसरा शोक में है दुखी में है उसको देख करके महा आनंद होना, खुश होना, ये सभी शोक कर्म के आश्रयों के कारण होते हैं। तो शोक में अपने देखा कि स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर के चिंता करना। देखिए जिन जिन वस्तुओं से हमें बहुत ही राग होता है तो उसके प्रति हमें शोक प्रकट होता है, क्योंकि उस वस्तुओं का जब कभी वियोग होता है, कहा है अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, ये शोक के कारण होते हैं। शोक मतलब ऐसा है कि जैसे कि शौक लग गया हो, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, इस प्रकार की वो चिंता करके वो दुखी रहता है, बैठा रहता है। लोग ऐसे लोग टेंशन में रहते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। किसी भी इष्ट वस्तु का या इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाने पर या कोई अनिष्ट व्यक्ति का या वस्तु का संयोग हो जाने पर उसके मन में जो संक्लेश परिणाम होते हैं, वो सभी के सभी जो संक्लेश परिणाम हैं उन्हें आचार्य भगवान ने कहा है शोक, और वो शोक के कारण व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। आप देखिए
आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, जिसके प्रति आपने द्वेष भाव रखा है, जिसके प्रति आपने धारणा गलत बना रखी है, कभी वो व्यक्ति आपको दिख जाए तो उसको देखते ही आपके परिणामों में उथल पुथल होने लगती है। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, मन में तो उसके प्रति बहुत विचार आते ही आते हैं। यदि आप कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो तो आप उसे वचनों से भी उसके बारे में बोलना प्रारंभ कर देते हैं, अथवा और भी ज़्यादा कुछ हो गया तो आप शरीर से भी एक्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सब क्या है? ये तुम्हारी बेचैनी दुख के कारण हैं। इनसे भी शोक आश्रव का क्या होता है? हमारा कर्म बनता है, ठीक है। और ऐसी कोई वस्तु आ जाए जो वस्तु हमको पसंद नहीं है, जैसे खाने पीने में, ओढ़ने सजने सवरने में जो वस्तु हमें पसंद नहीं है, जिसके प्रति हमने मिथ्या बुद्धि रखी रखी है, ये खराब है, कल्पना कर रखी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको वस्तु का संयोग हो जाने पर हमारा मुंह बनना, हमारा मन में संक्लेश परिणाम होना, शरीर से उसको फेंकना, अलग करना आदि अनेक प्रकार के कार्य करने लगते हैं, उससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये जो दुखपन है ये हमारा शोक कहलाता है। तो इस प्रकार से स्वयं दुखी होना अथवा दूसरों को दुख उत्पन्न करना, ऐसे कार्य करना कि हम दूसरों को दुख उत्पन्न करें, जैसे किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ पसंद नहीं है, हम उसके सामने वही वस्तु ला करके उसको सामने रखें या उसको दें या ऐसा कार्य करें, तो क्या होता है? उसको शोक उत्पन्न होता है। तो हम किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को दुख उत्पन्न करने के लिए ऐसे साधन तैयार करें, ऐसे वचन बोलें, ऐसे काम करें जिससे वो व्यक्ति क्या हो, दुखी हो जाए। बस हमारा मन यही है, हमारे मन में वो व्यक्ति परेशान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहे। लोग चैटिंग आदि के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं, लोग फ़ोन करके लोगों को परेशान करते हैं, और न जाने किन किन कारणों से व्यक्ति लोगों को परेशान करते हैं। मतलब किसी के परेशानी में वह खुश रहता है, किसी के दुखी में वह सुखी रहता है। तो आचार्य मुनि कहते हैं वो सुख नहीं है, वो उसका दुखी है, वो शोक है, और इससे भी उसके शोक कर्म के आश्रय होता है। तीसरी बात यहाँ पर आचार्य ने कही थी, दूसरों को शोक में देख करके आनंद होना मनाना। अब वो न स्वयं शोक हो रहा है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको शोक में ला रहा है, लेकिन शोक का वातावरण चल रहा है। मान लो कोई व्यक्ति मर गया किसी के परिवार में, तो हमारे मन में क्या हुआ? अच्छा हुआ, मैं तो चाह ही रहा था वो कब मर जाए, कब इनके घर में दुख का संकट आए, अब आएगा समझ में, अब पता चलेगा इनको। तो इस प्रकार के ऐसे वचन मन बोलना, ऐसा मन में सोचना, ऐसे शरीर से प्रसन्न होना, तो मन वचन काय तीनों से आनंद मनाना। ऐसा करते नहीं करते? मान लो किसी की दुकान में कुछ हो जाए, आग लग जाए, इनकम टैक्स लग आ जाए, सेल टैक्स के छापा पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, और वो सामने वाला महादुखी हो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, तो हमें उसकी परेशानी, उसके दुख को देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। ध्यान रखना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें जो आनंद मना रहे हैं वह आनंद भी शोक का कारण तुम्हारा होगा। कोई बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, तुम्हारा दुश्मन का बच्चा है, फेल हो गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो बस उसको देखकर तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। आज तुम नाच रहे हो, आज तुम्हारे घर में हलवा पूड़ी बन रही है। क्यों बन रही भैया? आज मेरे दुश्मन का जो अनाश हुआ है ना, उसमें मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है। पार्टी मनाई जाए, पार्टी दी जाए, ये सब क्या है? ये सब शोक कर्म के आश्रय का कारण होता है। स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, या जो दुखी हो गए हैं पाप के उदय से, कर्म के उदय से, तो उनके दुखी में आप आनंद मना रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं, ये सब शोक कर्म के आश्रय का कारण होता है। इससे हमें भी आगामी काल में ऐसे शोक के वातावरण प्रकट होते हैं जिसके कारण हमारा संयम का ह्रास होता है, हमारा चारित्र नष्ट होता है, हमारा शील नष्ट होता है, हमारे परिणामों में विशुद्धि प्रकट नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम क्या है, संसार को छोड़ नहीं पाते हैं, परिवार परिग्रह को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें शोक बना रहेगा हमें छोड़ेंगे तो, वो हमारे परिणाम ही प्रकट नहीं हो पाते हैं। ऐसा कर्म का हम क्या करते हैं? आश्रय कर लेते हैं। अथा शोक भी हमें नहीं करना है और ना ही इस प्रकार का कार्य करना है। नमोस्तु आचार्य श्री,
शोक भाव हमारे अंदर ना प्रकट हो, इसके लिए हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये चिंतन करना चाहिए कि संसार में कोई भी इष्ट और अनिष्ट वस्तु नहीं है। ना कोई वस्तु इष्ट है और ना ही कोई अनिष्ट है। ये इष्ट और अनिष्टता हमारी झूठी कल्पना है। ये व्यक्ति मेरा है इसलिए मित्र है, ये मेरा नहीं है इसलिए शत्रु है। इस प्रकार से ना संसार में कोई मित्र होता है और ना कोई शत्रु होता है। हम अपनी कल्पना से ही किसी को मित्र बनाते हैं और किसी को शत्रु बनाते हैं। साम भाव रखना ही शोक भाव से निकला जा सकता है। सुख दुख के जितने भी कारण उत्पन्न हों, उन सब में हमें राग द्वेष नहीं करना, यही हम शोक भाव से बाहर जा सकते हैं। लेकिन हमारी झूठी कल्पना, झूठी मान्यता और हमारा भ्रम वस्तु को इष्ट और अनिष्ट बनाता है। बताइए, संसार में जो व्यक्ति तुमको इष्ट लग रहा है, हो सकता किसी को वो अनिष्ट भी लग रहा हो, और जो वस्तु तुमको या कोई व्यक्ति आपको अनिष्ट लग रहा हो सकता है वो कोई व्यक्ति तो किसी को इष्ट भी लग रहा हो, ठीक है ना। तो बताइए, इष्ट और अनिष्ट संसार में है क्या? जिस मल को देख करके आप नाक सिकोड़ते हो वो आपको अनिष्ट लगता है, वही मल किसी और जानवर को इष्ट लगता है, उसका वो प्रिय भोजन लगता है, उसे वो ग्रहण भी करता है। तो अब मल इष्ट है या अनिष्ट है? तो मल की दृष्टि में देखा जाए तो वो एक मल है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक पुद्गल पर अवस्था है, पुद्गल की पर्याय है। बस इतना ही यदि ज्ञान हो जाए तो ना मल के प्रति राग का भाव और ना मल के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं जा सकता है, उसमें समता का भाव आ सकता है। जिस व्यक्ति को आप मित्र समझ रहे हैं, हो सकता है कोई वही व्यक्ति किसी और के लिए शत्रु हो, किसी और के लिए वो पसंद ना हो। तुम्हें तो मित्र लग रहा है लेकिन वो अपने घर में जब जाता होगा तो पत्नी को शत्रु लगता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? तो एक ही व्यक्ति मित्र है, एक ही व्यक्ति शत्रु है। आप अपने आप को अच्छा मानते हो, हो सकता है कोई आपको बुरा भी मानता हो, फिर आप क्या करेंगे? तो संसार में कोई भी वस्तु ना इष्ट है और ना अनिष्ट है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम समझो। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान के माध्यम से ही हमारे अंदर जो राग द्वेष की प्रणति है वो हटेंगी और फिर हमारे अंदर समता का भाव प्रकट होगा। जब तक समता का भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक ज्ञान की कला नहीं जागेगी, जब तक भेद विज्ञान जागृत नहीं होगा, जब तक वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान नहीं होगा, जब तक तत्व का निर्णय अच्छी तरह से नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर से शोक जा नहीं सकता है। जो व्यक्ति शोक कर रहा है, इसका मतलब है उसको तत्व का निर्णय सही नहीं है। किस बात का शोक करना? हमारे पूज्य पिताजी चले गए, पूज्य माताजी चले गए, इस प्रकार का शोक करना? अरे तुम्हारा था ही कौन जो तुम्हारा चला गया, और तुम्हें जन्म ही किसने दिया जो चला गया? वो तो निमित्त मात्र थे। तुम्हारी आत्मा को जन्म कौन दे सकता है? कौन तुम्हारा भाग्य बना सकता है? कौन तुम्हारा भाग्य बिगाड़ सकता है? कौन तुम्हारा अच्छा कर सकता है? कौन तुम्हारा बुरा कर सकता है? आप ही अपना अच्छा और बुरा करने वाले हो, आप ही अपना भाग्य बनाने और बिगाड़ने वाले हो, सब कुछ तो आप ही हो, ऐसा भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कहता है, भगवान महावीर स्वामी का धर्म कहता है। जब ये बात आती है तो समता का भाव आता है। उपकार दृष्टि एक अलग होती है। माता पिता ने जन्म दिया तो उपकार मानना, दुनिया हमको सहयोग करती है तो उपकार मानना, तो ये उपकार एक अलग चीज़ है, व्यवहार धर्म अलग चीज़ है। लेकिन शोक यदि दूर करना है तो आपको निश्चय धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, सभी के प्रति सामान्य का भाव रखना पड़ेगा, ठीक है। मल मल है, मलाई मलाई है, बिल्कुल निश्चित है, लेकिन उसके प्रति जो घृणा के भाव हैं या उसके प्रति एक के प्रेम के भाव हैं, वो भाव जो हैं हमें विलीन करना चाहिए और सम भाव रख करके अपना ध्यान जो है शुद्ध करना चाहिए। आर्त रौद्र से हमें बचना चाहिए, धर्म ध्यान आदि में लगना चाहिए। इन्हीं सभी कारणों से हमारा जो अंदर जो शोक बैठा हुआ है वो दूर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 9 कषायों में से हास, रति, अरति, शोक, इन चारों के बारे में जाना। अब 5वां नंबर का जो भय कर्म है, जिसका हम आश्रय करते हैं, तो किस प्रकार से हम आश्रय करते हैं उसके बारे में जानते हैं कि भय जो संज्ञा है, जो डर लगना, कांपना,
और आप अंदर से भयभीत रहना, ये सब जो है ये कैसे होता है? तो हमने ऐसा कौन सा कर्म का आश्रय किया है जिस प्रकार से ऐसा हमको होता है? तो आइए स्लाइड के माध्यम से पहले देखते हैं भय कर्म के आश्रय के कारण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भय कर्म के आश्रय के कारण। पहला क्या लिखा है? स्वयं भयरूप परिणाम करना। स्वयं भयरूप परिणाम करना पहला है। दूसरा, दूसरों को भय उत्पन्न कराना दूसरा है। तीसरा, निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना। अंदर से निर्दयता के परिणाम हैं, दया नहीं, दया विहीन हैं, और ऐसे परिणामों के द्वारा दूसरे जीवों को दुख देना, ये तीनों की तीनों भय कर्म के आश्रयों के कारण हैं। स्वयं भयरूप परिणाम रखना। कैसे हम स्वयं भयरूप परिणाम करते हैं? लोगों के मन में अनेकों प्रकार के भय अंदर मौजूद होते हैं, जैसे यही लोक भय, इस लोक का भय रहना, क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कोरोना आ गया तो कैसे जिएंगे, अब और कोई बीमारी ना आ जाए, कोई और घटना ना घट जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, इस प्रकार से यही लोक भय, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, संसार संबंधी, लोगों की दूसरों के संबंधी, इस प्रकार से यही लोक संबंधी जो भय बना रहता है, ये भी आश्रयों का कारण है, ठीक है ना। परलोक संबंधी, अब इस लोक संबंधी भय तो है ही है, मरने के बाद क्या होगा, कौन सी गति होगी, मुझे दुख तो नहीं मिलेगा, कहीं नरक तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं जानवर तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं हो जाऊंगा, तो इसका उसके अंदर भय बना रहता है, मुझे देव बनूंगा नहीं बनूंगा, अच्छे सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसी परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा, धन संपत्ति आप लोग सब होगे नहीं होगे, इस प्रकार का परलोक का भय। एक तो इस लोक का भय भी व्यक्ति को बहुत सताता है, अब क्या होगा, मकान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये अभाव है, वो अभाव है, इस प्रकार का भय अंदर से बना रहता है। परलोक संबंधी भय समझ में आ गया, मरने के बाद अब क्या होगा, मरने के बाद मेरा आगे क्या होगा, इस प्रकार का भय। कुछ लोग तो परलोक के भय से के माध्यम से धर्म भी करते हैं कि परलोक बिगड़ ना जाए इसलिए धर्म करना है। नहीं, आप धर्म करो, परलोक तो अच्छा सुधर ही जाएगा, परलोक के भय को सुधारने के लिए धर्म करना, डर करना कि हम नरक ना चले जाएं इसलिए धर्म करना, तो भय से धर्म नहीं होता, अभय से धर्म होता है। धर्म तो वस्तु का स्वरूप समझ करके होता है, आत्मा को आनंद देने के लिए धर्म होता है, सुख देने के लिए धर्म होता है, दुख देने के लिए धर्म थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से परलोक भय संबंधी भी भय व्यक्ति के अंदर बैठा होता है, उससे भी आश्रय होता है। मरण भय, मरण का व्यक्ति को भय रहता है, हर समय मरण का भय रहता है। हम ये दवाई खिला दो, डॉक्टर को दिखा दो, ये करा दो, वो करा दो, कहीं आँख खराब ना हो जाए, कहीं कान खराब ना हो जाए, तो कभी आँख का चेकअप, कहीं कान का चेकअप, कहीं हार्ट का चेकअप, कहीं ब्लड का चेकअप, दिन रात वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहता है। यहाँ तक कि अब तो लोग क्या करते हैं, दवाइयों की पोटली अपने घर में रखते हैं, भोजन कम खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ हो ना जाए, इतना वैभव, इतना संपत्ति सब छूट जाएगा, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, और ये सब छूट जाएगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसको अपने को बचाने के लिए वो दवाइयाँ, इलाज, उपचार, धर्म ध्यान सब छोड़ देगा, मंदिर में नहीं जाएगा, पर वो योग करने के लिए पार्क में चला जाएगा, योगाचारों के पास चला जाएगा, और वहाँ पर जाकर के शरीर स्वस्थ हो जाए, धर्म छूट गया, अभिषेक छूट गया, पूजा पाठ छूट गया, कोई चिंता नहीं है उसको, क्यों? क्योंकि मरण का भय बना हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे मरण के भय वाले ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने घर में बहुत सारी दवाइयाँ लोभ के बस से ला कर के रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगी, कभी सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, सस्ती मिल रही है इसलिए ज़्यादा ला के रख लिया, वो तो उतने दिन तक बीमार हो ही गए, जितने दिन तक घर में दवा रखी है वो उतने दिन तक बीमार रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए दवाइयाँ भी घर में रखना नहीं चाहिए, ये सोचो कि अस्पताल और दवाई की दुकान तुम्हारे घर से बहुत दूर हों, तुम उनसे बहुत दूर रहो,
पास जितने रहोगे उतने बार बार दवाई लाने के भाव होंगे, अस्पताल जाने के भाव होंगे, दूर रहेंगे तो भाव भी नहीं होंगे, बचे भी रहोगे। तो इस प्रकार से मरण का भय, मरण का हमारे अंदर भय बना रहता है। महानुभाव मैं आपको बता दूं, मरण हमारा नहीं होता है, मरण शरीर का होता है। जन्म भी शरीर का हुआ था और मरण भी शरीर का है। प्राणों का संयोग का नाम जन्म है, प्राणों के वियोग का नाम मरण है। और ये प्राण जड़ हैं, अचेतन हैं, चेतन नहीं है, चेतन मेरी आत्मा है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, रूप रस गंध वर्ण आदि से रहित है। इस आत्मा को आज तक न जन्म हुआ न मरण हुआ यह निश्चय मानना, व्यवहार से जन्म हुआ है, व्यवहार से इसने अनेक अनेक शरीरों को धारण किया है और अनेक अनेक शरीरों को छोड़ा है, लेकिन जो आ रही है वो जा रही है वो चीज़ मेरी नहीं है ऐसा मानना, यही हमारा धर्म है। इस प्रकार से मरण का भय नहीं होना चाहिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जैसे अपनी सुरक्षा करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, क्या इससे भी भय का आश्रय होता है? देखो भय तो है ही है, बिना भय के कोई मास्क नहीं लगा सकता, कोई सैनिटाइज नहीं कर सकता है और ना ही कोई ऐसे उपक्रम कर सकता है कि वो अपने आप के बचाव के लिए सारे साधनों का उपयोग कर रहा है। तो अंदर तो भय है कि मैं मर ना जाऊँ, ये मरण भय तो अंदर बना ही हुआ है। अब इसमें अपन दो बातें लगा लेते हैं, एक बात तो ये लगा लेते हैं कि मैं ये सब उपचार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मृत्यु ना हो और मैं संसार के समस्त सुख भोगूँ, संसार के इंद्रिय संबंधी जितने भी भोग हैं उनको भोग सकूं, इसलिए मैं अपना बचाव कर रहा हूं। एक बात ये भी हो सकती है कि मैं अपना बचाव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है, इस मनुष्य पर्याय से मैं संयम धारण करना चाहता हूं, इससे मैं धर्म ध्यान करना चाहता हूं, इसके माध्यम से मैं अपने कर्म की निजरा करना चाहता हूं, पूजा पाठ करना चाहता हूं, भगवान का अभिषेक हो, भगवान की शांति धारा हो, दान पुण्य काम कर सकूं, तीर्थयात्रा वंदना आदि कर सकूं, इसके कारण मैं अपने इस शरीर की सुरक्षा के लिए दवाई भी ले रहा हूं, औषध भी ले रहा हूं, मास्क लगा रहा हूं, सैनिटाइज कर रहा हूं, लोगों से दूर खड़ा हो रहा हूं, अपने आप को संक्रमण होने से बचा रहा हूं, क्योंकि ये शरीर जो है रोगों का पिटारा वैसे ही है और रोग आ गए तो फिर मैं सामायिक नहीं कर पाऊंगा, कायोसर नहीं कर पाऊंगा, ध्यान नहीं कर पाऊंगा। इस शरीर के माध्यम से जो मैं उपवास कर सकता हूं, व्रत नियम कर सकता हूं और इस मनुष्य पर्याय में भेद विज्ञान की कला से मैं जो कर्म की निजरा कर सकता हूं वो सिर्फ मेरा शरीर इसमें साधन है, इसलिए मुझे इस शरीर को बचाना है, ठीक है ना। ये मुझे निश्चित पता है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर का एक परमाणु मात्र भी नहीं है, ये मेरी श्रद्धा में है, इसलिए मुझे मरण का भय नहीं है। लेकिन चारित्र संबंधी जो भय है वह भय तो नियम से है, लेकिन उसमें अपनी मंगल भावना जो है वो अपने आप को बचाने का नहीं, अपने धर्म को बचाने का, अपनी आत्मा को बचाने का है, अपने अंदर रत्नत्रय को बचाने का भाव है, इसलिए सुरक्षित रहना ऐसा भय भी कोई आश्रय का कारण बने, लेकिन ऐसा आपका भय भी उचित है क्योंकि उसमें आपका धर्म मूल होता है। लेकिन भोगों के लिए इस शरीर को बचाना ऐसा भय है तो वह तो संसार का कारण है, निश्चित ही वह तीव्र भय कर्म के आश्रय का कारण बनता है। इस प्रकार से इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय और भी भय होते हैं, जैसे आरक्षक भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, ये सारे भय हैं। मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी इस प्रकार का भय, मेरी रक्षा करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसा स्थान नहीं है, किला नहीं है जिसमें मेरी रक्षा हो सके, ऐसा अकुप्ति भय, आकस्मिक भय, ना जाने अब कौन क्या होने वाला है, अतिवृष्टि होने वाली है या अनावृष्टि होने वाली है, अचानक कौन सी घटना घट जाएगी, इसका विचार मन में बना रहना, अब कौन सी आपदा आने वाली है ऐसा विचार बना रहना, ऐसा आकस्मिक भय। तो इस प्रकार से बहुत सारे भय होते हैं, ये भयों से भी जीव को भय कर्म का आश्रय बना रहता है। ऐसा भय स्वयं होना, ऐसा भय दूसरों को दिलाना अथवा ऐसे भयभीत लोगों को देखकर के महा आनंद होना, ये सभी की सभी भय कर्म के आश्रय के कारण बनते हैं। अतः हमें ऐसे भय आदि हमको नहीं करना है, अपने वस्तु स्वरूप का तत्व का चिंतन करके इस भय से हमको
बचना है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने नौ कषाय में आज यहाँ पर शोक और भय की चर्चा की। अब आगे जो जुगुप्सा और तीन वेद हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं, आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।